आज तुम अपनी स्मार्टनेस की वजह से जय को हमेशा के लिए खो दोगी, समझ में आया तुम्हें? देखो रागिनी, मैं तुम्हारा और करण का गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन श्रुति की इस हालत का जिम्मेदार जय नहीं है। जैसे श्रुति ठीक होगी ना, वो खुद बता देगी कि जय ने ये सब नहीं किया। कैसे ठीक होगी आद्या? कैसे ठीक होगी श्रुति? बोलो आद्या, कैसे ठीक होगी? पिछले 5 साल से वो ऐसे ही बैठी हुई है, देखो उसे कितनी लाइवली थी, हंसती थी, खेलती थी, बातें करती थी, और अब जय ने उसकी यह हालत करी है। तुम्हारे जय ने हमारी श्रुति की हालत करी है, स्टैचू बना के छोड़ दिया है उसने। रागिनी, क्या बदला ले लेने से श्रुति ठीक हो जाएगी? नहीं, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा रागिनी, सिवाय पछतावे के, क्योंकि जय इनोसेंट है। तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। जैसे बदला लेने आए हम और आज वो पूरा हो जाएगा। उसने हमारी श्रुति के साथ जो किया है ना, उसे सजा देंगे हम। नहीं रागिनी, तुम्हें सब कुछ भी नहीं करोगी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ क्या, तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ पहुंची हूँ। शौक लगा ना कि फेमस रूपा मित्तल ने तुम्हें सेव किया। मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था जब मैंने तुम्हें मेरे जय की लाइफ को सेव करते हुए देखा। मुझे तो लगता था मेरा जय बदल गया है। जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो ना, उसके लिए उसकी मॉम, उसकी फैमिली को भुला बैठा है वो। हम लोग जैसे उसके लिए मैटर ही नहीं करते। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है। जब मैंने मेरे जय को वो फैमिली पोर्ट्रेट को हग करते हुए, क्राइंग क्राइंग करते हुए देखा ना, मैं समझ गई मेरा जय नहीं बदला। फिर मैंने अपना माइंड लगाया कि बात कुछ और है, तभी वैसे स्टूपिड स्टूपिड ड्रामे कर रहा है। तब से मैं तुम दोनों को फॉलो कर रही हूं। सॉरी हाँ, मैंने तुम दोनों की थोड़ी बहुत बातें लिसन भी कर ली। आधा तो मैं तभी समझ गई थी, हाफ मैं अब समझी कि तुम दोनों एक दूसरे से वेरी वेरी लव करते हो। तुम दोनों के प्यार के आखिर तुम दोनों की अपनी लाइफ में मायने नहीं रखती। अब ऐसे डीप लव को, प्योर लव को रूपा मित्तल कैसे मना कर सकती है? अब मैं भी तुम्हारी टीम में हूं, मैं और तुम मिलकर ना जय को सेव करेंगे, राइट? थैंक यू आंटी। कॉल हिम। हाँ, कॉल कर। What happened? जय फोन नहीं उठा रहा है। हे भगवान जी। जय का फोन स्विच ऑफ है। आंटी पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ऐसी गट फीलिंग आ रही कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जय बहुत बड़ी मुसीबत में। वो रागिनी है ना, वो भी यही टेल कर रही थी कि करण मेरे जय का डी एंड कर देगा। रानी पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये भगवान जी, मेरे गबलू बबलू बेटा। आंटी जय को कुछ भी नहीं होगा, उसकी मॉम और उसकी आद्या हमेशा है ना उसके साथ। अब देखिएगा वो सही सलामत घर वापस आएगा, वो सेफली आ जाएगा ना। थैंक यू, थैंक यू।
ये कहां पे हूं? ये कहां पे हूं मैं? कौन? पता नहीं कौन सी जगह। हेलो, कोई है? अरे प्लीज खोलो यार। यहां कहां गया मैं यार? पक्का ये सब कुछ करण कर रहा है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी और आत्या की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। शिट, फोन भी अभी स्विच ऑफ होना था इसकी। एक काम करते हैं, जैकी ना पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देती है। लेकिन आंटी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Why? क्योंकि 24 घंटे से पहले वो मिसिंग कंप्लेंट लेंगे ही नहीं, और करण रागिनी के खिलाफ भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो हम ऐसे हेड पे हेड धर के बैठे रहेंगे? ये तो कोई बम की। उठाऊं के हेलो, कैसी लगी रिंगटोन जी? मजा आया? करण, अगर तेरे में हिम्मत है ना तो सामने आके बात कर। यू लड़कियों की तरह छुप छुप के इस पीछे से ये सारी हरकतें छोड़ दे, समझ आई? तेरी ना मैं हेलो नहीं आंटी, एक ऑप्शन है, हम जैके नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है? और इसमें पीके हमारी मदद कर सकता है। पीके वे? आंटी वो दिया के साथ घर पर ही, मैं उससे एक बार पूछ लेती हूँ, मुझे जैसी कुछ पता लगेगा ना मैं आपको बताती हूँ। आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, ओके? यू सेफ? जी आंटी। हे भगवान जी, कुछ भी करना, मेरे जय को सेफ रख दो, मेरे जय को सेफ रख दो भगवान जी। स्मेल कैसी है? ये गैस। अरे खोलो, यहां पे गैस गैस निकल रही है कोई। खोलो दरवाजा, खोलो।